अच्छा, ग्रीडी एल्गोरिथम के ऊपर एक बहुत ही कमाल की प्रॉब्लम है, जरा समझते हैं कैसे काम करती है। वाइन बाइंग एंड सेलिंग, आपको कुछ घर दे रखे हैं जिनमें से कुछ लोगों को बाय करनी है वाइन, कुछ लोगों को सेल करनी है वाइन। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है इसका मतलब इस बंदे को बाय करनी है, और अगर नेगेटिव है तो उसको सेल करनी है। इसके अलावा इस बात की भी गारंटी है कि सम जीरो होगा इनका, मतलब जितनी भी वाइन्स बाय होंगी उतनी ही वाइन सेल भी हो सकती है। यहाँ पे सारे के सारे घर इक्विडिस्टेंस है, आप एक डिलीवरी बॉय हो और आपका काम क्या है, कम से कम ऑपरेशन में आपको ये वाइन डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, जिसको बाय करनी है उसको पहुंच जाए और जिसको सेल करनी है उसके घर से चली जाए। लेकिन ऑपरेशन कैसे काउंट होंगे, अगर आप एक्स वाइन्स को उठा के डी डिस्टेंस तक लेके जाते हो तो आपके ऑपरेशन आते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय डी। ये आपको मिनिमाइज करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कमाल का ग्रीडी एल्गोरिथम क्वेश्चन बन जाता है, और इसके अंदर बहुत अच्छी इंट्यूशन भी है। आप समझो कैसे इंट्यूशन काम कर रही है, आपको आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा 2 किलो चीनी लेके आओ। आपको पता है कि एक दुकान आपसे 1 किलोमीटर दूर है, एक दुकान 10 किलोमीटर दूर है। आपको पता दोनों ही दुकानों पर सेम प्राइस मिलता है चीनी का, तो आप 10 किलोमीटर दूर वाली दुकान पर जाओगे या फिर 1 किलोमीटर दूर वाली दुकान पर जाओगे। आपको पता है पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा दूर, ज़्यादा दूर जाऊँगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करोगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीनी मुझे पहली दुकान पर ही मिल जाए। अगर फिर भी नहीं मिल पाती तो जाना पड़ेगा आपको दूसरी दुकान पर, क्योंकि 2 किलो चीनी तो घर में लानी लानी है। तो यही लॉजिक यहाँ पर काम करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम। यहाँ पर ग्रीडी ही काम करेगा, यहाँ पर डीपी वगैरह लाने का ट्राई करोगे तो काम नहीं करेगा। मतलब डीपी तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, राइट, उसकी, क्योंकि उसमें सारे के सारे ऑपरेशन आप कर रहे होगे। लेकिन यहाँ पर आप इंट्यूटिवली चल के थोड़ा लॉजिक लगा के आप लोग आराम से कर सकते हो। बेसिकली करना क्या है, जिस बंदे को बाय करना है उसको उसके आस पास वाले से, जो सबसे पास वाला है जो सेल कर सकता है उससे ही उसके यहाँ पर पहुँचा दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंटर बना के आराम से काम कर सकते हैं अपना, एक बाय पॉइंटर एक सेल पॉइंटर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बी और एस को, बाय एंड सेल को। हम पहले देखते हैं कौन सा ऐसा पहला बंदा है जो कि बाय करना चाहता है, हमें दिख गया ये वाला, तो ये बाय हमारा आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम देखेंगे कौन सा ऐसा पहला है जो कि सेल करना चाहता है, हमें देखा ये है जो सेल करना चाहता है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, हमें दिख रहा है कि 5 बड़ा है। इसका मतलब इसकी सारी की सारी ये खरीद सकता है, तो इसको हम कर देंगे 0, ठीक है। इसको हम कर देंगे 0 और इसको हम कर देंगे 5 - 4 विच इज़ 1, राइट, कि भाई तेरे को 5 तो मिल गई है, अब तेरे पास बस 1 बच रही है, 1 हम तेरे को दे देंगे बाद में कभी ना कभी, टेंशन मत ले। उसके बाद हम दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाएंगे जब तक कि हमें पहला बाय वाला ना मिल जाए, लेकिन अभी भी इसको बाय तो करना ही है तो इसको हम यहीं रखेंगे। सेल वाले को आगे बढ़ाते हैं, सेल वाला यहाँ आएगा लेकिन हम देखेंगे ये तो बाय करना चाहता है, हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे क्योंकि ये सेल करना चाहता है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो सेल यहाँ पर आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे बाय और सेल को आपस में दोबारा से, कि ये 1 है ये 3 है, इसका मतलब इसको सिर्फ 1 ही चाहिए, तो इसको 0 कर दो इस केस में, इसको 0 कर दो और इसके अंदर 1 ऐड कर दो, तो हो जाएगा आपका -2, हो जाएगा आपका -2। अब हम दोबारा से दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाने का ट्राई करेंगे जब तक कि बाय वाला ना मिल जाए, तो इसके पास तो 0 है तो इसको तो कुछ नहीं करना है, इस घर को जिसके पास 0 है इसको कुछ भी नहीं करना, राइट, ना तो बाय करना ना सेल करना, ना इसको बाय करना सेल करना। यहाँ पर आते हैं, इसको बाय करना है, अगेन कंपेयर करेंगे, सेल वाले को भी आगे बढ़ाते हैं लेकिन सेल वाला यही रहेगा क्योंकि इसके पास -2 अभी भी है। हम दोनों में से देखते हैं बड़ा क्या है, इसको सिर्फ 1 ही खरीदनी है, ये 2 बेचने को रेडी है, तो हम इसको 0 कर देते हैं और इसको कर देते हैं -1, ठीक है। और फिर दोबारा से दोनों पॉइंट्स को आगे लेके जाएंगे, पहला बाय वाला बंदा ढूंढते हैं, तो ये तो नहीं है क्योंकि ये तो -1 है, ये है पहला, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाय। उसके बाद हम सेल वाले के बंदे को ढूंढेंगे, हाँ यही सेल वाला बंदा है, ठीक है, तो दोनों बराबर ही है तो दोनों को कर दो 0, राइट। और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, तो पहले हम बाय वाले बंदे को आगे बढ़ाएंगे लेकिन आगे कोई है ही नहीं। अब जब आगे कोई खरीदने के लिए है ही नहीं तो इसका मतलब सेल हो चुके होंगे सारे के सारे, क्योंकि हमें पता है सम 0 है, सभी का सम 0 है। अगर कोई आगे खरीदने के लिए नहीं है तो इसका मतलब सारे के सारे सेल हो चुके होंगे, और हमें दिख भी रहा है हाँ सारे के सारे सेल हो चुके हैं। तो इस वे में अगर आप करोगे तो आपके कम से कम ऑपरेशन आएंगे। आपको ऑपरेशन जो निकालने वो कैसे निकलेंगे, कि आपने जब इसको 4 दिया तो सिर्फ 4 आपने एक डिस्टेंस तक पहुंचाया, तो आंसर के अंदर आपने 4 ऐड कर दिया, ठीक है, आंसर में आपने 4 ऐड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पहुँच गए थे और आपने 1 यहाँ तक पहुँचाया, तो 1 पहुँचाने के लिए कितना डिस्टेंस हो गया, 1, 2, 3, तो 1 × 3, ये 3 डिस्टेंस यहाँ से आ गया। उसके बाद आपने 1 यहाँ पर पहुँचाया, तो इसके लिए तो 1 ही डिस्टेंस था 1 के लिए, तो 1 × 1 विच इज़ 1, और उसके बाद आपने 1 यहाँ से यहाँ पहुँचाया तो अगेन डिस्टेंस 1 था, तो टोटल हमारे जो ऑपरेशन आएंगे यहाँ से आएंगे आपके 9। तो सिर्फ 9 ऑपरेशन करके आप लोग यहाँ पर वाइन को बाय सेल कर सकते हो। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल था, आप जरा कोड देख लेते हैं, कोड और भी ज़्यादा सिंपल है। हमारे पास एक फंक्शन है वाइन सेलिंग नाम का, इसमें हमें ये एरे दे रखे हैं और टोटल नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंटर्स को, एक हमारा होगा बी बाय वाला और एक है एस सेल वाला, दोनों तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हमने एक आंसर बना लिया विच इज़ ऑल्सो 0 स्टार्टिंग में। उसके बाद हम अपना वाइल लूप चलाने वाले जब तक कि दोनों में से कोई भी एन को पार ना कर जाए। अगर बाय एन को पार कर गया इसका मतलब
खरीदने के लिए कोई नहीं है, बाय करने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम लूप ब्रेक कर देते हैं क्योंकि सेल तो सारे हो गए होंगे। सिमिलरली अगर सेल करने के लिए कोई नहीं है तो इसका मतलब सबने बाय कर ही लिया होगा। उसके बाद हम चलेंगे, जब हम ढूंढेंगे पहला बंदा जो कि बाय करना चाहता, तो जो बाय करना चाहता उस केस में ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट। तो हम बी प्लस प्लस करते रहेंगे जब तक हमें नेगेटिव वाले लोग मिल रहे हैं, और जैसे हमें कोई पॉजिटिव वाला बंदा मिलेगा हम वहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे इस लूप में से। एक चीज़ और, अगर ऐसा करते करते कभी भी बी इक्वल्स टू एन हो जाए, मतलब बाय करने वाले लोग अपनी लिमिट को पार कर जाएं कि अब हमें बाय करने वाला कोई मिला ही नहीं हमें, तो उस केस में हमें जो भी आंसर था हमारे पास वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न आंसर। सिमिलरली सेल करने वाले बंदे को ढूंढते हैं, जो पहला सेल करने वाला बंदा है, तो सेल करने वाला वो है जिसके नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव बंदे को ढूंढते हैं सेल प्लस प्लस, और अगर ऐसा करते करते कभी हम सेल इक्वल्स टू एन हो गए तो रिटर्न कर देंगे आंसर। उसके बाद हमें मिल गए होंगे बी वाला पोजीशन वहाँ पे आ गए जहाँ पे उसे बाय करना है, एस वाला वहाँ जहाँ पे उसे सेल करना है। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि कौन बड़ा है, ठीक है, बाय वाले को ज़्यादा बाय करना है या फिर सेल वाले को ज़्यादा सेल करना है। अगर बाय वाले को ज़्यादा बाय करना है तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ बी माइनस एस, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन बाय एंड सेल मल्टीप्लाई बाय सेल, क्योंकि बाय वाले को ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब सेल वाला पूरा का पूरा उसको वहाँ पहुँचा देगा, ठीक है, ग्रीडली चल रहे हैं सेल वाले जितने भी हैं सारे सारे बाय वाले को पहुँचा दो। उसके बाद बाय वाले के अंदर ऐड कर दो सेल वाले को क्योंकि उसने उतने तो खरीद ही लिए हैं, और सेल वाले को जीरो कर दो कि हमारे पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमने सारे सेल कर दिए। एल्स के अंदर हम सेम चीज़ करेंगे बस रिवर्स करके, और इस बार हम बाय वाले को जीरो कर देंगे और फिर हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा लॉजिक काम करता है। ये पूरा का पूरा व्हाइल लूप में चलता रहेगा यार, ठीक है, व्हाइल बी इज लेस देन एंड एस इज लेस देन, और ये हमारा बिग ऑफ एन में ही काम कर रहा है। आप देख रहे हो बिग ऑफ एन में ही चल रहा है क्योंकि हमारा जो बी और एन एस पॉइंटर है ये पूरा का पूरा सिर्फ एक बार ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इन द वर्स्ट केस ये पूरा का पूरा सिर्फ एक बार ही ट्रैवल कर रहा है, तो बिग ऑफ एन में हमारा ये काम करता है। इसको चला के देखते हैं, ये कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। तो इस तरीके से कोड काम करता है, हमने ड्राई रन ऑलरेडी वैसे कर ही लिया इस कोड का, यहाँ पर हमने ड्राई रन किया था पहले बी और एस को आगे बढ़ाते गए थे सम के अंदर फिर ऐड करते गए थे। तो इस तरीके से ये वाला कोड काम करता है। इसके बाद हम ग्रेडी एल्गोरिथम के अंदर कुछ और भी क्वेश्चन कर रहे होंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, कर देना सब्सक्राइब, मैं बोलूंगा नेक्स्ट में, बाय बाय।